हम भजन गा रहे हैं, ये भजन नहीं है, आपके लिए एक टेस्टामनी होगी, गवाही होगी। और जितने लोग इस सॉन्ग को, इस भजन को अब सुनेंगे, जो अब ऑनलाइन है, जहां आप हो, जहां बाद में सुनेंगे, इसको सुनकर रिसीव करना और विश्वास करना, ये बात मुझे परमेश्वर ने दी स्वर्ग से। ये भजन मैंने खुद ने कहा आज बोलने के लिए, और मुझे जब मैं प्रार्थना कर रहा तो परमेश्वर ने मुझे ये दिया। क्या दिया? और बाइबल में लिखा, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहती, वो प्रभावशील होता है। और इस भजन को जब आप सुनकर बिलीव करोगे, रिसीव करोगे, तो आपकी टेस्टामनी होगी, आपकी गवाही होगी। क्या होगी? और जितने लोग इस भजन को आप सुने, जब बाद में सुने, उसके बाद आप प्रार्थना करना और मांगना, आपको सब कुछ मिलेगा। भजन को सुनने के बाद आप यहां पे भी प्रार्थना करना, तुरंत हम इस भजन के समाप्त होते ही कुछ मिनटों के लिए प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद जो ऑनलाइन है, जब बाद में, वो भी ऐसे ही करें, क्योंकि ये वचन परमेश्वर की ओर से है। और मेरा विश्वास है कि जैसे पेट का प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर ने दिया, इस भजन से भी लोगों की टेस्टामनी बनने वाली है। आमेन, हालेलुया, गाओ जी, हालेलुया। यहोवा मेरे खुदा, तेरी हरी आशीष नो, यहोवा मेरे खुदा, तेरी हरी आशीष नो,
विष्णु Thank you.
हालेलुया। जिसने जिस बच्ची ने भजन गाया और जितनों ने भी सुना, आज वो सुपर ब्लेस्ड हो चुके हैं। इसको परमेश्वर आज ज्यादा आशीष कर चुके हैं। मैं नहीं जानता, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने कहा कि अगर इसने, मैंने तुझे वो चीज दी है तो इसने गाया है, तो परमेश्वर ने कहा इसे ब्लेस कर चुका है। इसकी कोई, इनकी कोई कोई चीज है अभी मैं बताऊंगा नहीं, पर मैं सही टाइम पे आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने इस सॉन्ग के द्वारा इसको बहुत आशीष कर दिया। समझते नहीं, आपको पता नहीं है कि अपने मूल्य का और एक दास के मूल्य का, अगर आपको पता हो कि उसके मुंह से जो आपको परमेश्वर देता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कीमती है, अगर उसकी कीमत आप जानते हो तो उसको फिर आप लो। हाँ, एक दास के मुंह से जब परमेश्वर किसी चीज को आपकी आशीष के लिए देता है, अगर आपको लेना आता है तो फिर आप हर बात पे आमीन और धन्यवाद कहो। इसलिए आओ चलो खड़े, क्योंकि मैंने कहा था कि इस सॉन्ग के बाद हम दो मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग खड़े खड़े अगर अपने हाथों को उठाकर, किसी का मन में घुटनों के बल जाकर इस सॉन्ग के, जो भी खुदा ने जे आशीष का जे भजन आपको दिया है, पर मेरा मन है कि आज मैं पूरा लेट कर अपने पिता के आगे ऐसे प्रार्थना करूंगा। जिसका जैसे मन है खड़े होकर घुटनों के बल, मैं पर आज ऐसे करूंगा प्रार्थना। यस, सब प्रार्थना करें, दिल से धन्यवाद करें उसका, दिल से धन्यवाद करें कि परमेश्वर जैसे तूने अपने दास प्रेरित पौल को तसलुकियों की कलीसिया को यह वचन दिया था कि जब कोई उस वचन को, जैसे प्रेरित पौल ने कहा, जब आपने हमसे जो वचन सुना तो आपने मनुख का समझ कर नहीं परमेश्वर का समझ कर लिया, तो सुनने वालों के ऊपर उसका अनुग्रह होगा। वो अनुग्रह आज आपके ऊपर होगा कि लूका 1:37 में लिखा कि जो वचन ऊपर से आता है वो प्रभाव रहती, वो प्रभावशील है। ये भजन, ये सॉन्ग नहीं है, ये इसमें आपकी आशीष है, इसमें आपकी गवाही है। इसे रिसीव करो और धन्यवाद करो, इसको बार बार सुनते रहना और विश्वास करना, इसमें आपकी बहुत सी आशीषें छिपी हैं, इसमें आपकी डिलीवरेंस है, आपकी आशीष है। इसलिए धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो कि परमेश्वर जो शब्द, जो वचन तूने अपने दास को इस भजन के द्वारा आज तूने दिए, तूने हमें आशीष कर दिया है, तूने हमें आज आशीष कर दिया है, तूने हमें आज आशीष कर दिया। धन्यवाद करो। कुछ मिनटों के लिए, कुछ संकट के लिए मैं अपनी प्रेयर करूंगा और मैं मांगूंगा, आप भी मांगो। आमीन, आमीन, आमीन।